हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेल्कम टू करियर प्लैनेट। माई सेल्फ डॉक्टर अर्पिता ओझा, योर बायोलॉजी मेंटर। सो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है उससे रिलेटेड हमने कुछ लेक्चर्स लिए हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। हमने प्लांट्स में देखा, जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन देखा। तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, दो पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। सो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को किस तरह से, किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, तो यहां पे हमने ये पॉइंट पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका मेन कॉज क्या है, कि उसके अंदर जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है सिंगल पेरेंट की वजह से न्यू प्रोजेनी बनती है। ये काफी सिंपलर फॉर्म होता है, इसमें जनरल सेल डिवीजन देखने को मिलता है एंड दिस सेल डिवीजन से क्या होता है, न्यू प्रोजेनीज डेवलप होती हैं। ओके, तो काफ़ी यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर सिंपलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इज़ दैट क्लियर। सो फिर उसके बाद में आता है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हायर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वे शो करते हैं। ओके, सो ये जो हायर ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर हमने एग्जाम्पल देखा प्लांट्स एंड ह्यूमन बॉडी। तो प्लांट्स से रिलेटेड जिस तरह का रिप्रोडक्शन होता है वो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, एंड हम उसके अंदर देखते हैं कि एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, एक मेल सेक्स ऑर्गन होता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो गैमीट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एन सेल स्ट्रक्चर होते हैं, और इनका जब फ्यूजन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसके वजह से जायगॉट बनता है। ये जायगॉट एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप होता है, इस एम्ब्रियो से सीड बनता है एंड सीड से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो ये सारा प्रोसेस हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। एंड जो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था उसमें हमने और भी काफ़ी वेरियस मेथड्स देखे थे, लाइक बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, एंड उसके बाद हमने बडिंग देखा। अगर हायर ऑर्गेनिजम्स में चलें, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें, तो उनके अंदर क्या मिलता था, रीजनरेशन। ओके, तो इस तरह के काफ़ी जो प्रोसेस थे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो कि प्लांट्स में मिलता है, एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से ही क्लियर हो पाएँ। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम। ओके, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें एक मेल गैमीट बनाना है, एक फीमेल गैमीट बनाना है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, दो पेरेंट्स की जरूरत होती है। तो ये दोनों पेरेंट्स क्या करेंगे, अपने सेक्सुअल ऑर्गन से, मेल सेक्सुअल ऑर्गन एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन से क्या होगा, इनके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। देन इन गैमीट्स को क्या करवाया जाएगा, सेम पहले मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचाया जाएगा। और हमेशा ये पॉइंट आप क्लियर रखिए कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके अंदर जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है, और जो फीमेल गैमीट होता है वो मोटाइल नहीं होता, नॉन मोटाइल होता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हुआ मोटिलिटी को देख के, कि ये जो हमारा मेल गैमीट है ये मोटाइल रहेगा, ये मूव करेगा, एंड इसको पहुंचना होगा फीमेल गैमीट तक, और फीमेल गैमीट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि जो मेल गैमीट्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू फीमेल गैमीट्स। तो जो फीमेल गैमीट हैं उनकी साइज ज़्यादा बड़ी होती है मेल गैमीट्स के कंपेयर में। तो सेकंड पॉइंट इज क्लियर। तो थर्ड पॉइंट इज दैट कि ये जो आपके मेल गैमीट्स हैं इनकी जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट वन होते हैं जनरली किसी अनफेवरेबल कंडीशन में, या फिर कोई अलग सी कंडीशन के अंदर कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से ये हो सकता है कि ये गैमीट्स एक्सीडेंटली दो रिलीज़ हो जाएं, बट सिंगल मेल गैमीट होता है और बहुत सारे मिलियंस में मेल गैमीट आते हैं। ओके, और फीमेल गैमीट वन ही होता है। इज़ दैट क्लियर। तो इस तरह से क्या होगा, ये जितने भी मेल गैमीट्स हैं इन्हें कहाँ पहुँचना है, इन सारे मेल गैमीट्स को पहुँचना है फीमेल तक, और उन सब सारे मेल गैमीट्स में से एक मेल गैमीट क्या करेगा, फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा, एंड इस फ्यूजन को अपन क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देन
फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट होगा आपके जाइगोट का. तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ एंड जाइगोट में डेवलपमेंट हुआ, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. देन जो ये हमारा एम्ब्रियो होता है, ये एम्ब्रियो फिर से फर्दर डेवलपमेंट करके किसका फॉर्मेशन कर देता है, वेल डेवलप्ड चाइल्ड का फॉर्मेशन कर देता है. और ये जो चाइल्ड है ये कहाँ डेवलप होता है, तो फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या करते हैं, एम्ब्रियो को डेवलप करते हैं. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करेंगे, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमीट का फॉर्मेशन करने के साथ साथ जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको एक रूम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो पूरा उसका डेवलपमेंट हो सके. जब भी चाइल्ड कंप्लीटली डेवलप हो जाता है देन इसे क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. तो दैट इज द मेन प्रोसेस इन इन ह्यूमन बींग्स फॉर रिप्रोडक्शन. इज दैट क्लियर टू ऑल? देन अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं, वो क्या है कि ये जो मेल गैमीट है इसे हम स्पर्म कहते हैं और जो फीमेल गैमीट है इसे हम एग और ओवा कहते हैं. इज दैट क्लियर? सो स्पर्म्स को रीच करना है ओवम तक, उससे क्या होगा, देन उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा. तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर सारे सेक्स ऑर्गन्स देखेंगे, मेल में अलग फीमेल में अलग. देन हम उनके फंक्शंस देखेंगे, कौन से ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है, कैसे गैमीट का फॉर्मेशन होता है. तो गैमीट के फॉर्मेशन को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. तो किस तरह से गैमेटोजेनेसिस होता है मेल में एंड फीमेल में, किस तरह से गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, गैमीट को किस तरह से ट्रांसफ़र करवाया जाता है, एंड फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, और उससे ही रिलेटेड जो हमारे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने वाला है वो कौन से ऑर्गन में होता है एंड किस तरह से उनका डेवलपमेंट चलता है, फिर इस एम्ब्रियो को जो कि वेल डेवलप्ड चाइल्ड बन जाएगा इसे बॉडी से बाहर किस तरह से निकाला जाता है. तो इसी तरह से हम देखते हैं कि ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी में रिप्रोडक्शन होता है ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है एंड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी रहता है. सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किस तरह का पूरा प्रोसेस है. सो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स क्या है, देखिए ह्यूमन बींग्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यस, वी हैव क्लियर दैट इनके अंदर जो है क्या देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. मेल पेरेंट प्रोड्यूसेस मेल गैमीट कॉल्ड स्पर्म. ओके, जो मेल पेरेंट होंगे उनके अंदर जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे वो किसका प्रोडक्शन करवाएंगे, स्पर्म का प्रोडक्शन करवाते हैं. एंड फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट कॉल्ड ओवा, और फीमेल गैमीट्स जिसे हम ओवा कहते हैं उनको प्रोड्यूस करवाती हैं फीमेल पेरेंट. तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है. ओके, सो फर्स्ट इज़ द मेल एंड फीमेल एंड दे प्रोड्यूस स्पर्म एंड ओवा रिस्पेक्टिवली. सो द स्पर्म हैव टेल एंड आर देयर फॉर मोटाइल. यस, हम पहले बता चुके हैं आपको जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल होते हैं. तो स्पर्म मोटाइल है एंड फीमेल गैमेट ओवा इज नॉन मोटाइल. तो उसका रीज़न क्या है, जो हमारे स्पर्म होते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होती है, टेल प्रेजेंट होती है. ओके, दे हैव टेल, दैट्स वाई दे आर मोटाइल इन नेचर. क्लियर? They are produced in large number of in the testes. So new terminology for you guys, that is testes. So testes is a male reproductive organ. Okay, ये male sex organ है जो males में present होता है, that is testes. और testes का क्या function है, large number of जो sperm है उनका production करता है. Okay, मैंने आपको पहले बताया था जो male gametes होते हैं उनकी quantity ज़्यादा होती है as compared to female gamete. And ovum is bigger, वो बड़ा होता है. Sperms are small but the ovum is bigger. Non-motile, that इसका reason क्या है, they don't have tail and only one ovary produces one ovum in the month. Okay, so देखिए यहाँ पर हमने दो organs discuss किए हैं, first is testes and the second is ovary. तो testes जो है male reproductive organ है and जो ओवरी है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. इज दैट क्लियर? सो द टेस्टिस क्या करता है, ये स्पर्म का प्रोडक्शन करवाता है एंड जो ओवरी होती है वो हर मंथ में एक
ओवम को प्रोड्यूस करती है। तो हमारे पास जो फीमेल बॉडी है उनके पास दो ओवरीज होती हैं एंड जो मेल बॉडी है उनके पास दो टेस्टीज होते हैं। ओके, तो टेस्टीज भी दो हैं, ओवरीज भी दो हैं। इनका मेनली फंक्शन क्या है? गैमीट्स को प्रोड्यूस करना। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि गैमिटोजेनेसिस किस में प्रेजेंट होता है, तो मेल गैमिटोजेनेसिस इज प्रेजेंट इन द टेस्टीज एंड फीमेल गैमिटोजेनेसिस इज प्रेजेंट इन ओवरीज। ओके, सो ओवरीज जो हैं वो दो होती हैं एंड दोनों ओवरीज में से सिंगल ओवरी में से किसी पर्टिकुलर वन मंथ में क्या होता है, वन ओवम रिलीज होता है। हम ऐसे समझ सकते हैं, एक मंथ में अगर राइट ओवरी से ओवम निकला है तो नेक्स्ट मंथ में जो है दूसरी ओवरी से ओवम निकल सकता है। ओके, सो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि गैमीट का फॉर्मेशन ओवरीज करवाती हैं इन द फीमेल एंड मेल्स के अंदर गैमीट का प्रोडक्शन जो है वो कौन करवाते हैं, टेस्टिस करवाते हैं, क्योंकि हमें उसमें स्पर्म की ज़रूरत होती है और टेस्टिस स्पर्म बनाते हैं एंड जो ओवम है वो जो गैमीट है उनको कौन बनाता है, ओवरीज बनाती हैं। तो ये सारे पॉइंट हमें क्लियर हो चुके हैं। देयर इज़ नो फूड स्टोर्ड इन द स्पर्म वेयर एज ओवा contain a stored food। तो एक और डिफरेंस हो गया स्पर्म एंड ओवा में, जो कि हमने पहले सारे डिफरेंसेस क्या देखे थे, नंबर्स में स्पर्म्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और ओवा जो होते हैं वो सिंगल ही होता है, ओवम के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। एंड उसके बाद में हमने देखा कि एक मोटाइल है, देन एक नॉन मोटाइल है। ओके, तो इस तरह, और एक बिगर है तो दूसरा स्मॉल है साइज में। तो एक और डिफरेंस आपको मिल गया, दैट इज़ देयर इज़ नो फूड स्टोर्ड इन द स्पर्म वेयर एज ओवा कंटेन्ड स्टोर्ड फूड, और ओवम में स्टोर्ड फूड आपको मिलता है। बोथ द गैमीट्स आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर। ओके, सो ये जो गैमीट हैं ये यूनिसेल्युलर हैं, एक ही सेल से मिलके बने होते हैं, माइक्रोस्कोपिक है यानी कि इनकी जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। ओके, एंड हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कम्पेयर टू द बॉडी सेल। तो ये जो पॉइंट है ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, एक बार आप फिर से समझ लीजिए। जो ह्यूमन बॉडी है या कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसमें दो टाइप की सेल देखने को मिलती हैं। ओके, एक होती है सोमेटिक सेल और एक होती है सेक्सुअल सेल्स। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो इन सेल्स का डिवीजन ऐसे क्यों किया गया है? तो जो सोमेटिक सेल होती है इनके अंदर सोमेटिक क्रोमोसोम होते हैं और जो दूसरी सेल होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं, सेक्सुअल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो सोमेटिक क्रोमोसोम, सेक्सुअल क्रोमोसोम। तो जो बॉडी की अदर सेल्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले रही हैं, ओके, तो वो सारी सेल्स सोमेटिक सेल्स होती हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले रही हैं। ओके, और जो रिप्रोडक्शन में पार्ट ले रही हैं उन सेल्स के अंदर थोड़ा डिफरेंट सेल डिवीजन देखने को मिलता है। तो अब हम सेल डिवीजन को अच्छे से डिस्कस कर लें। तो जो सेल डिवीजन होता है वो दो टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके, फिर से रिपीट कीजिए मेरे साथ, फर्स्ट इज द माइटोसिस एंड द सेकेंड इज मियोसिस। जो माइटोसिस है, इस माइटोसिस में हम क्या देखते हैं, जो एक सेल है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है एंड इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंज नहीं आता है। बट जो मियोसिस होती है, मियोसिस में जब सेल डिवीजन होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो मियोसिस सिर्फ किस में देखने को मिलता है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल सेल्स होती हैं सिर्फ उनके अंदर ही मियोसिस होता है, और जो माइटोसिस होता है वो सारी बॉडी सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो बॉडी सेल्स के जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो सेल डिवीजन के बाद नहीं बदलेंगे, सेम रहेंगे। हर सेल के पास जो प्लॉयडी होती है वो कितनी होती है, 2n होती है। बट अगर इनके अंदर क्या मिले, मियोसिस हो जाए, तो मियोसिस से सेल की प्लॉयडी कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। n का मतलब क्या है कि उनके अंदर जो क्रोमोसोम है उनका नंबर हाफ हो चुका है, तो मियोसिस से हाफ नंबर हो जाता है। यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ? फिर देखिए, जो हमने गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस आपको समझाया था, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। तो जो ये गैमेटोजेनेसिस होता है ये मेल में भी मिलता है, फीमेल में भी मिलता है, टेस्टिस एंड ओवरीज में, राइट? तो ये जो टेस्टिस और ओवरीज की जो सेल्स होती हैं ये सेल मियोसिस करती हैं। ओके, एंड मियोसिस से क्या होता है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है, ये किस टाइप का सेल डिवीजन है? तो मियोसिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी हाफ। ओके, क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं और ये सेक्सुअल, इसीलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। ओके, द
सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पर समझें वो क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हुए तो उससे क्या होगा, तो जो गैमेट्स बने हैं वो अब एन सेल्स कहलाएंगी, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है, उसका एक बेनिफिट है। वो बेनिफिट आप इस तरह से समझिए कि जो हमें जायगोट बनाना है, यू नो व्हाट इज जायगोट, एक ऐसा सेल सेल्यूलर बॉडी जिससे आगे जाके न्यू चाइल्ड का डेवलपमेंट होने वाला है, दैट इज जायगोट। अगर आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है आप नोट कीजिए इसे, एंड डाउट्स आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो ये जो जायगोट होता है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज हुए, जायगोट बना। तो ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि मियोसिस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं ऐसा। तो मियोसिस अगर नहीं होता तो क्या होता, दोनों गैमेट्स की प्लॉयडी कितनी होती, 2n एंड 2n, फर्स्ट गैमेट इज मेल गैमेट एंड दिस इज फीमेल गैमेट, इसकी भी प्लॉयडी 2n है, यानी कि क्रोमोसोम के नंबर 2n है, इसमें क्रोमोसोम के नंबर्स 2n है। जब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता, फ्यूजन होता, तो अब हमेशा गैमेट के फ्यूजन से क्या बनता है, जायगोट बनता है। तो ये जो जायगोट है अब इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 4n हो जाएंगे, 2n प्लस 2n दैट इज 4n, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके अंदर क्या होगा, 4n हो जाएंगे। देन ये जो चाइल्ड है अब ये क्या करेगा नेक्स्ट, ये भी जब कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगा ये भी रिप्रोडक्शन करेगा, तो इसकी सेल सारी 4n होंगी। ये जो 4n है नेक्स्ट किसी और मेल फीमेल या मेल गैमेट के साथ फ्यूज होती है, देन नंबर और इंक्रीज होते जाएंगे। तो इस तरह से कंटिन्यूसली अगर ऐसा चलता रहा तो नंबर्स इंक्रीज होते रहेंगे क्रोमोसोम के। तो उनको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सिर्फ रिप्रोडक्शन का पार्ट है, जो ओनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर गैमीट फॉर्मेशन के टाइम क्या होता है, मियोसिस प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? उससे पहले उनके अंदर जो बाकी की सेल बॉडीज होती हैं, बॉडी की सेल्स होती हैं, उनके अंदर क्या मिलता है आपको, ओनली उनके अंदर माइटोसिस देखने को मिलता है। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ है। तो मियोसिस हुआ किस में हुआ, जो आपके मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज, उनके अंदर हमने मियोसिस देखा। मियोसिस की वजह से गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, टेस्टिस ने मियोसिस से कौन से गैमेट का फॉर्मेशन किया, स्पर्म का एंड एग का। तो स्पर्म और एग है, इनमें क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ है। जब ये ये जो हाफ क्रोमोसोम वाले स्पर्म एंड एग जो है वो फ्यूज होंगे, एंड जो इससे जायगोट का फॉर्मेशन होगा, अब इस जायगोट की प्लॉयडी फिर से कितनी हो जाएगी, 2n, ये एन आपके पास मेल है, ये एन आपके पास फीमेल है, दोनों मिक्स होके क्या बनाएंगे, 2n सेल का फॉर्मेशन कर देंगे, और जायगोट में फिर से 2n रहेगा। अब ये जो चाइल्ड है जब ये कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगा, जब ये अडल्ट हो जाएगा, देन जब ये रिप्रोडक्शन करेगा अगेन, इसमें भी मियोसिस चलेगा और जो गैमेट्स बनेंगे उसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाएंगे, और दूसरे पार्टनर के जब गैमेट से फ्यूज होंगे देन अगेन 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से 2n की कंडीशंस को बनाए रखने के लिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उन सारे ऑर्गेनिजम्स में मियोसिस देखने को मिलता है। देन आपको अब सिग्निफिकेंस क्लियर हो गया व्हाई मियोसिस इज इंपॉर्टेंट इन द हायर ऑर्गेनिज्म फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब इसके सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको पॉइंट्स सारे क्लियर रहें। ओके, सो ह्यूमन बींग्स बिकम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ओके, देन व्हाट इज प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस व्हेन द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिन टू स्लो डाउन एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिन टू मैच्योर। तो देखिए क्या होता है, जो चाइल्ड है जब उस इनिशियली चाइल्ड जो होता है उसका डेवलपमेंट होता है, देन उसकी जो बॉडी के सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो डेवलप होते हैं, कम्प्लीटली बॉडी जो होती है ग्रो करती है, बॉडी में जितने भी हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ओके, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, सारे जितने भी सिस्टम्स हमने देखे वो सब एक साथ ग्रो करते हैं इनिशियल स्टेट में। फिर एक ऐसा पीरियड आता है जब बॉडी की ये सारी जो ग्रोथ है ये रुक जाती है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होने लगती है। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का मतलब क्या है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होने लगते हैं, वो मैच्योर होने लगते हैं, एंड वो गैमेट्स का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि प्यूबर्टी से पहले क्या होता था, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा पूरी बॉडी में ग्रोथ होती थी। ओके, बॉडी की ग्रोथ ज़रूरी क्यों है, हम
ये ग्रोथ हमें क्यों देखने को मिलती है, तो रिप्रोडक्शन करने के लिए एक पर्सन को कम्प्लीटली डेवलप होना चाहिए, कम्प्लीटली अगर वो अडल्ट हो देन तभी वो रिप्रोडक्शन कर पाएगा. इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ओके, आप जो एज अ ह्यूमन बींग एक न्यू प्रोजेनी को डेवलप करने वाले हैं तो आपको कम्प्लीटली क्या होना पड़ेगा, पहले डेवलप होना पड़ेगा. तो उस डेवलपमेंट के लिए हमारी बॉडी में इनिशियली ही क्या मिलती हैं, बहुत सारी ग्रोथ मिलती हैं. ओके, कंटिन्यूसली बॉडी का हर पार्ट ग्रोथ करता रहता है. आप जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन लेते हैं आपकी बॉडी उतना ज़्यादा क्या करती है, ग्रोथ करती रहती है. इज दैट क्लियर? तो ये ग्रोथ कब रुक जाती है, जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है. ओके, तो प्यूबर्टी जो होती है पर्सन टू पर्सन वेरी करती रहती है, बट इट वी कैन से 12 टू 14 जो है, या फिर 11 टू 14 जो है, ये एक पीरियड की रेंज रहती है. इस पीरियड में क्या होता है, प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है. ओके, प्यूबर्टी से पहले जो ह्यूमन बॉडी है वो काफ़ी अलग तरह की थी, और प्यूबर्टी के बाद ह्यूमन बॉडी में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं. ये चेंजेस क्यों आए हैं, क्योंकि बॉडी की बाकी जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो चुकी है. हम ऐसा नहीं कहते कि जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो डेवलप ही नहीं हो रहे, नो ऐसा नहीं है. उनमें ग्रोथ चलती है बट उनकी जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाती है, एंड जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी ग्रोथ इनिशिएट हो जाती है. धीरे धीरे वो भी ग्रोथ क्या होने लगती है, फास्ट होने लगती है. तो जब भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ग्रोथ होती है तो उसकी वजह से हमें कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, एंड दीज कैरेक्टर्स आर नोन एज सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. ओके, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स कहते हैं. एंड ड्यू टू दीज कैरेक्टर्स हमारी बॉडी में ड्रास्टिक चेंज आते हैं, और इन्हीं चेंज की वजह से हम मेल एंड फीमेल को डिफर फॉर्म में देख सकते हैं. ओके, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स क्यों बॉडीज़ में आते हैं, ताकि मेल एंड फीमेल बॉडी को डिफरेंशिएट किया जाए. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सिर्फ मेल बॉडी में दिखाई देते हैं, एंड सम कैरेक्टर्स आर ओनली प्रेजेंट इन द फीमेल बॉडी. तो फीमेल एंड मेल बॉडी जो होते हैं उनमें कैरेक्टर्स जो हैं उनके अंदर डिफरेंशिएट कौन करते हैं, ये हमारे सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. तो ये सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स को किसने प्रोड्यूस किया, तो जो हमारे एग, जो हमारे ओवरीज एंड टेस्टीज हैं, जो कि हमारे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इनकी वजह से हार्मोनल सिक्रीशन हुआ. ओके, किसका सिक्रीशन हुआ, हार्मोन्स का सिक्रीशन हुआ, और इन हार्मोन्स ने बॉडी में चेंजेस शो किए. तो मेल में कौन से हार्मोन्स होते हैं, तो ऐसे हार्मोन्स जो कि सेक्शुअल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है और रिस्पॉन्सिबल हैं, दीज हार्मोन्स आर नोन एज टेस्टोस्टेरॉन. ये जो सेक्स हार्मोन है इन्हें हम सेक्स हार्मोन कहते हैं. ओके, ये टेस्टोस्टेरॉन होते हैं, एंड फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हैं, दो हार्मोन्स हैं विच आर कॉल्ड एज सेक्स हार्मोन, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन द फीमेल बॉडी. तो फीमेल एंड मेल बॉडी में पहले सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर जनरेट हो रहे हैं, एंड धीरे धीरे इनके अंदर गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है. देन टेल मी व्हाट इज़ गैमेटोजेनेसिस, फिर से वही पॉइंट, जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करना है, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन करना है, और जो फीमेल है उनमें एग का फॉर्मेशन करना है. तो स्पर्म और एग के फॉर्मेशन का प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस उनके अंदर प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट हो जाता है, और जो जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से डेवलप होकर मैच्योर होने लगते हैं. मैच्योर क्यों होना है उन्हें, क्योंकि आगे जाके जो फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी के ऑर्गन्स को एक चाइल्ड को डेवलप करवाना है, और मेल बॉडी के ऑर्गन्स को क्या करना है, हेल्दी स्पर्म्स का फॉर्मेशन करना है. इज दैट क्लियर? सो यही रीजन है कि प्यूबर्टी जो है वो हमारी मेल एंड फीमेल बॉडी में देखी जाती है. ओके, इट इज अ स्टेज ऑफ लाइफ. ओके, इज दैट क्लियर? प्यूबर्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग जिसके अंदर क्या होता है, एडोलेसेंस, व्हेन द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिन्स टू स्लो एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर. ओके, ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी इन ह्यूमन मेल्स आर, अब देखिए ह्यूमन मेल्स में प्यूबर्टी 11 टू 13 ईयर्स की एज में हो जाती है, वाइल इन ह्यूमन फीमेल में ये कहाँ देखने को मिलती है, 10 टू 12 ईयर की एज में देखने को मिलती है. देन अगर मेल एंड फीमेल का आप साथ में बोले तो 10 टू 13 ईयर्स तक प्यूबर्टी जो है वो देखने को मिलती है. इज दैट क्लियर? सो प्यूबर्टी इज एसोसिएटेड विथ मैनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉयज एंड गर्ल्स. ओके, सो प्यूबर्टी के साथ क्या हुआ, प्यूबर्टी की वजह से हार्मोन्स रिलीज हुए हमारे मेल एंड फीमेल बॉडी से. इन हार्मोन्स ने इन्फ्लुएंस कर दिया हमारी बॉडी को कुछ चेंजेस के लिए. क्या क्या चेंजेस हैं, तो इसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं.
दैट आर फिजिकल बॉडी में जो फिजिकली चेंजेस अपीयर हो रहे हैं वो मेंटल लेवल पर थोड़ा चेंज आता है, इमोशनली काफ़ी चेंजेस आते हैं एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। हम सारे चेंजेस को एक एक करके अच्छे समझेंगे। विच अकर्ड स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि बहुत ज़्यादा धीरे होता है, एकदम ड्रास्टिक चेंज नहीं आता, धीरे धीरे हमें चेंज जो है वो देखने को मिलता है। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। येस, हम पढ़ चुके हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। ओके, फिर देखिए फॉर इंस्टेंस, फिर इन कुछ एग्जाम्पल्स देखे समझाया है कि क्या क्या इसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो फिजिकल लेवल पर देखिए, थिक डार्क हेयर स्टार्ट ग्रोइंग इन न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, थिक डार्क हेयर स्टार्ट ग्रोइंग, ओके, तो उस वजह से क्या होगा, कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पर क्या होता है, डार्क हेयर्स जो हैं ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, सच एज आर्मपिट, जेनाइटल एरिया बिटवीन द थाइस। ओके, तो थाइस के बीच में जेनाइटल एरिया जो है वहाँ पर भी क्या होगा, थिक हेयर्स ग्रो करने लगेंगे, आर्मपिट में थिक हेयर्स ग्रो करने लगते हैं जो कि मेल एंड फीमेल दोनों में कॉमन है। ओके, थिनर हेयर अपीयर ऑन द लेग्स आर्म्स एंड फेस, और थिनर हेयर्स जो हैं कभी लेग्स में आर्म्स एंड फेस में भी दिखने लगते हैं। स्किन बिकम ऑयली एंड पिम्पल में अपीयर ऑन द फेस, तो प्यूबर्टी के टाइम क्या होगा, पिम्पल्स अपीयर होने लगेंगे फेस पर एंड स्किन जो है काफ़ी ऑयली स्टिकी हो जाएगी। इंडिविजुअल बिकम मोर कॉन्शियस फॉर देयर बॉडी एंड बिकम मोर इंडिपेंडेंट मोर एग्रेसिव, तो जो भी इंडिविजुअल मेल और फीमेल बॉडी है वो अपनी बॉडी को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हो जाएंगी। प्यूबर्टी से पहले वो एकदम चाइल्ड एज में थे, उनको अपनी बॉडी से इतना ज़्यादा कॉन्शियसली वो अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देते थे, बट उनके अंदर साइकोलॉजिकली इतने चेंजेस आते हैं, वो खुद भी इसके लिए कॉन्शियस नहीं होते कि उनके अंदर इतना चेंजेस कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो इसका सारा रीज़न क्या है, उनके अंदर सेक्स हॉर्मोन्स बनना स्टार्ट हो गए हैं और यही हॉर्मोन्स इन्फ्लुएंस करवा रहे हैं फिजिकल लेवल पे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे चेंजेस उन्होंने पहले नहीं देखे थे। साथ ही क्या होता है, इमोशनल लेवल पर चेंजेस आ रहे हैं, साइकोलॉजिकली चेंजेस आ रहे हैं, इस वजह से वो अपनी बॉडी को लेके, अपने अपीयरेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। ओके, वो इंडिपेंडेंट बन जाते हैं और उनको इंडिपेंडेंट बनने की जो है काफ़ी ज़्यादा क्या रहती है, इच्छा रहती है कि वो इंडिपेंडेंट ही रहें, एंड दे आर मोर एग्रेसिव। ओके, और सारे जो भी मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स होते हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है ये कॉमन है, मेल और फीमेल दोनों में दिखाई देते हैं। तो दीज आर द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स, आपको पॉइंट क्लियर हुआ। उसके अलावा कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि सिर्फ मेल में अलग दिखाई देते हैं एंड फीमेल में अलग दिखाई देते हैं, वो कैरेक्टर्स क्या हैं, तो दीज आर इन केस ऑफ बॉयज बियर्ड एंड मुस्टैच स्टार्ट अपीयरिंग। ओके, तो बियर्ड एंड मुस्टैच स्टार्ट हो जाती है अपीयर होना, वॉइस बिगिंस टू क्रैक। ओके, वॉइस जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग रिलीजिंग स्पर्म, तो अब सेक्स हार्मोन रिलीज हुए हैं, ये क्या करेंगे, इनका प्रोडक्शन होगा, किसका प्रोडक्शन करेंगे, स्पर्म का प्रोडक्शन ये करवाएंगे, और जो मेल बॉडी है उनके अंदर बियर्ड मुस्टैच उस मतलब जो फेशियल हेयर्स हैं वो इंक्रीज उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, उसके अलावा जो मेन चेंजेस वॉइस में देखने को मिलता है, उनकी वॉइस जो है वो हैवी हो जाती है, इज़ दैट क्लियर। और फीमेल बॉडी में देखें तो ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज। ओके, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाती है, तो ब्रेस्ट का जो है फीमेल बॉडी में क्या इतना इम्पॉर्टेंट रोल है, तो प्यूबर्टी से ही जो फीमेल बॉडी है एंड जो मेल बॉडी है उनको रेडी किया जा रहा है रिप्रोडक्शन के लिए। तो रिप्रोडक्शन के टाइम क्या होगा, जो फीमेल बॉडी है जिसमें आगे चल के उसके अंदर एक चाइल्ड जो है वो डेवलप होने वाला है, उस चाइल्ड को फीड करवाने के लिए वो जो चाइल्ड होगा वो मिल्क पर डिपेंडेंट होगा। तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो फीमेल बॉडी में ब्रेस्ट जो है उनको डेवलपमेंट मिलता है। ओके, तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है प्यूबर्टी से स्टार्ट। ओके, एंड इसको कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगता है, ये काफी ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। क्लियर, स्किन ऑफ द निपल डार्कन्स एंड जो ब्रेस्ट पे निपल एरिया होता है वो डार्क हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट एंड मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, द एक्ट ऑफ मेटिंग बिटवीन द मेल एंड फीमेल पार्टनर इज टर्म्ड एज कॉपुलेशन। सीधा कॉपुलेशन समझा दे, उससे पहले आपको कुछ और पॉइंट्स क्लियर कर देते हैं। जो फीमेल
बॉडी होती है उसकी वॉइस पिच जो होती है शार्प हो जाती है, और मेल की जो वॉइस पिच होती है वो शार्प नहीं रहती, वो ब्लंट हो जाती है, यानी कि काफ़ी हैवी वॉइस हो जाती है. ओके, स्किन दोनों में ही ऑयली दिखाई देती है. ओके, बट फीमेल में जो है ज़्यादा स्किन ऑयली दिखाई देती है. पिंपल्स दोनों में होते हैं बट थोड़ा सा फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं. तो ये जो हैं सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पर एक नई टर्म आई है, दैट इज़ मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है. व्हाट इज़ मेंस्ट्रुएशन, तो क्या है इसे हम समझते हैं. तो जो हमारी फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे. ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का रोल क्या है, ये हॉर्मोन्स रिलीज करेंगे ताकि बॉडी में हर लेवल पर चेंज आए, दैट कैन बी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस. ओके, सेकंड क्या है हॉर्मोन रिलीज करने के अलावा, ये गैमेटोजेनेसिस करेंगे. गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, फीमेल है तो कौन सा गैमेट का प्रोडक्शन होगा, एग्स का प्रोडक्शन होगा. एंड थर्ड फंक्शन क्या है कि जब भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब भी न्यू एम्ब्रियो बनने वाला होगा, उस एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए एक ऑर्गन चाहिए. तो फीमेल में ये ऑर्गन होता है यूट्रस. तो यूट्रस के अंदर क्या है, उस चाइल्ड को डेवलपमेंट चाहिए. और चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, अपनी जो बॉडी है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसको डेवलपमेंट में टाइम चाहिए होता है. अगर हम इसको पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग को हम एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करें तो बहुत ही ड्रास्टिक डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि उनकी बॉडी इज वेरी सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन और हमारी बॉडी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड. तो उस वजह से क्या होता है, हमारे जो चाइल्ड है उनको डेवलपमेंट के लिए 9 months के अराउंड टाइम चाहिए होता है. तो ये जो इतना टाइम पीरियड होता है, इसमें जो चाइल्ड होता है, जो एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, वो यूट्रस में डेवलप होता है. तो फीमेल बॉडी को यूट्रस के लिए भी रेडी करना होगा. दैट्स वाई हमारी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यूट्रस प्रेजेंट होता है. एक तो ओवरीज थी, ओवरीज क्या कर रही थी, गैमेट जेनेसिस कर रही थी, यानी कि ओवा को रिलीज करवा रही थी एंड हॉर्मोन्स को रिलीज करवा रही थी. उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और ये ऑर्गन मेल में नहीं प्रेजेंट होता. मेल में क्यों नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि जो मेल है उसको एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं करवाना है. मेल का क्या फंक्शन है, जस्ट स्पर्म प्रोडक्शन करवाना है एंड सेक्सुअल हॉर्मोन्स को रिलीज करवाना है. ओके, तो सिर्फ स्पर्म प्रोडक्शन है इसलिए उनके अंदर यूट्रस नहीं प्रेजेंट होता. एंड जो फीमेल बॉडी होती है, फीमेल बॉडी में आपको यूट्रस देखने को मिलता है. तो यूट्रस के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है. किसका डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. तो उसके डेवलपमेंट के लिए यूट्रस को रेडी करना पड़ता है. तो जो यूट्रस को रेडी करने का ये प्रोसेस है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब आपको क्लियर हुआ व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, जो यूट्रस है उसमें जैसे ही एग रिलीज होता है, एग रिलीज होगा, एग रिलीज होने के बाद एग वेट करेगा कि स्पर्म आए, स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाए एंड जाइगोट बन जाए. तो जाइगोट को यूट्रस की वॉल के साथ अटैच करना होता है. तो यूट्रस की वॉल क्या होती है, ब्लड से कंटिन्यूसली थिक होती जाती है. तो यूट्रस की जो सबसे इनर लेयर होती है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये इनर लेयर कंटिन्यूस क्या करती है, जो ब्लड है ब्लड को एक्यूमुलेट करती है और ब्लड की लेयर्स बनती रहती हैं. तो इसके जो भी हमारा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये जनरली 28 टू 30 डेज का होता है. तो ये इन सारे डेज में क्या होगा, जो इनिशियली डे 1, 2, 3 और 4 हम कह सकते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जो यूट्रस है इससे ब्लीडिंग होती है, जो भी ब्लड था वो बाहर निकलता है. जब सारा ब्लड पूरा बाहर निकल जाए तो उसके बाद फिर से स्टार्ट होने लगता है ब्लड की लेयर्स बनना. ये ब्लड की लेयर्स कंटिन्यूसली बनती 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 रहती है. और ब्लड की लेयर्स का कंटिन्यूसन फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, ये जायगोट इसके अंदर आकर अटैच हो जाएगा, पूरा ही एम्ब्रियो बन जाएगा. देन इस एम्ब्रियो को बॉडी से बाहर निकाल देंगे आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ 9 months. बट अगर क्या हो, अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होना ही नहीं है, एम्ब्रियो बना नहीं, जायगोट बना नहीं एंड एग वहीं रह गया, कोई स्पर्म आया नहीं, तो उस टाइम क्या होता है, एग जो है वो पूरा डीजेनरेट हो जाता है. तो क्या अब ये जो हमने यूट्रस के अंदर रूम रेडी किया है, जो ब्लड की लेयर से बना हुआ रूम है जिसमें हमें एम्ब्रियो को डेवलपमेंट करवाना था, तो क्या ये जो ये ब्लड की लेयरिंग हुई है इसका कोई फंक्शन रह जाएगा, नहीं, अब इसका कोई काम नहीं है. तो दैट्स वाई क्या होता है, यूट्रस क्या करता है, इस ब्लड की लेयर को रिलीज कर देता है. तो यूट्रस से बाहर पूरा ब्लड निकाल दिया जाता है. तो यही प्रोसेस है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ,
देन ये जो है ब्लड की लेयर कंटिन्यूसली बनती जाएगी, 9 मंथ्स तक ब्लड की लेयर्स बनती जाएंगी एंड इनके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये रिलीज कर दिया जाएगा और ब्लड के रिलीज को ही हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और ये जो 28 डेज का पूरा साइकिल था इसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन एंड व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक पार्ट है मेंस्ट्रुएशन, जो कि 3, 4, 5 और मैक्सिमम 6 डेज तक रहता है। इसने पीरियड के अंदर जो फीमेल बॉडी होती है उससे जो ब्लड है वो रिलीज होता रहता है ताकि पूरे यूट्रस को क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि अब उनको ज़रूरत नहीं है, एम्ब्रियो है ही नहीं डेवलपमेंट के लिए। तो यही है कि जो फीमेल बॉडी होती है जिसमें जस्ट प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है, तो आप सोचिए जस्ट जो इंडिविजुअल है वो 12 और 13 ईयर का इंडिविजुअल है, क्या वो रेडी है सीधा रिप्रोडक्शन करने के लिए? नो, वो नहीं रेडी है, अभी उसके अंदर काफ़ी ग्रोथ, काफ़ी मैच्योरेशन होना ज़रूरी है ना। तो इसके लिए क्या होता है, धीरे धीरे स्टार्ट होता है, पहले हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, गैमेटोजेनेसिस होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बनने लगेगा। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में काफ़ी इररेगुलरिटीज रहेंगी, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल जब कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगा एंड ब्लड जो है मेंस्ट्रुएशन के थ्रू ब्लड बॉडी से निकलने लगेगा तो एक रिदमिक साइकिल डेवलप होगी। और जब वो फीमेल बॉडी कम्प्लीटली मैच्योर हो चुकी होगी, अडल्ट होगी, देन शी इज़ रेडी टू कंसीव। ओके, देन तभी वो रेडी होगी। सेम इज़ विद द बॉयज़। ओके, मेल में क्या होता है कि सारे ऑर्गन्स को मैच्योर होना होता है, स्पर्म जो है हेल्दी स्पर्म का डेवलपमेंट होना होता है, तभी स्पर्म जब पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, सारे मेल ऑर्गन अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, तभी क्या होगा, मेल एंड फीमेल बॉडी इज रेडी टू प्रोड्यूस अ न्यू चाइल्ड। तो इस तरह का ये सारा प्रोसेस है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हुए हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा अभी। तो हमने मेनली रिप्रोडक्शन क्या होता है वो देखा, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या फंक्शन है, मेल एंड फीमेल बॉडी में क्या मेन डिफरेंस है, गैमेटोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है दोनों में, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद में हम देखें जो मेल एंड फीमेल है उनमें प्यूबर्टी किसे कहते हैं, प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है, व्हाट इज़ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर क्या क्या आपको कैरेक्टर्स सारे देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। ओके, फिर इसमें नेक्स्ट लाइन आती है, द एक्ट ऑफ मेटिंग बिटवीन द मेल एंड फीमेल पार्टनर इज टर्म्ड एज कॉपुलेशन। कॉपुलेशन क्या होता है, मेल एंड फीमेल पार्टनर का मैटिंग। अगर मैटिंग नहीं होगी, मेल एंड फीमेल बॉडी की मैटिंग नहीं होगी, तो स्पर्म को एग तक कैसे पहुंचाया जाएगा। तो स्पर्म को एग तक पहुंचाने के लिए मेल एंड फीमेल बॉडी की मैटिंग होती है, इसके लिए मेल एंड फीमेल को कम्प्लीटली मैच्योर होना पड़ता है, कम्प्लीटली डेवलप्ड होना पड़ता है। इज दैट क्लियर। सो हम मेल एंड फीमेल बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उन्हें हम अच्छे से देख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, दैट इज़ मेल बॉडी। ओके, तो मेल बॉडी के अंदर जो अभी तक हमने जितने ऑर्गन समझे हैं उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव, जो कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, दैट इज़ टेस्टीज। दिख रहा है आपको टेस्टीज, तो ये है टेस्टीज, और इन टेस्टीज के अंदर किसका प्रोडक्शन होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। क्लियर, तो इनके अंदर क्या बनता है, स्पर्म बनता है, एंड इन स्पर्म्स को क्या है, इन ट्यूब्स के थ्रू, देखिए ये ट्यूब्स आपको दिख रही है, एक एक आपको क्लियरली समझाएंगे क्या क्या इनका फंक्शन है। इन ट्यूब्स के थ्रू क्या किया जाता है, जो ये स्पर्म है इन्हें बॉडी के बाहर रिलीज करवा दिया जाता है। ओके, तो इस तरह से इन्हें क्या करते हैं, बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं, और जब भी मेल बॉडी की फीमेल बॉडी के साथ मेटिंग होगी, ये स्पर्म कहाँ पहुँच जाएंगे, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंच जाएंगे, और वहां से ये एग तक पहुंचेंगे एंड फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ओके, तो ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। अब हम देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, सबसे मेन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, ओवरी। देखिए ये दी ओवरी। ओके, एंड ये जो ओवरी है ये क्या करती है, ओवम को रिलीज करती है। ये जब ओवम को रिलीज करेंगी तो ओवम क्या होगा, इस पूरे पाथ से होते हुए क्या करता है, यहाँ पर आकर वेट करता है, और इस पाथ से स्पर्म जो है वो एंटर करते हैं एंड
ये जो हमारा एग है इससे जाके फ्यूज़ हो जाते हैं। अगर एग एंड स्पर्म का फ्यूजन हो गया तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। फर्टिलाइज्ड एग अब इस यूट्रस में आकर क्या करेगा, दूसरे कलर का पेन लेते हैं ना, तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग है यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से स्पर्म आए। स्पर्म का मैंने क्या बताया था, इनकी साइज स्मॉल होती है एंड दे हैव टेल, बट जो एग होता है उनकी साइज बड़ी होती है और इनके पास टेल नहीं होती क्योंकि ये नॉन मोटाइल होते हैं, है ना, पढ़ा है हमने, दैट आर नॉन मोटाइल एंड ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ओके तो मोटाइल एंड नॉन मोटाइल होते हैं। तो स्पर्म जो है ये जो पूरा ट्रैक्ट है ये क्या कहलाएगा, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ओके तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से स्पर्म जो है एंटर करेंगे। एंटर क्यों करेंगे, मेटिंग हुई है, किन की मेटिंग हुई, मेल एंड फीमेल की मेटिंग हुई और इसकी इनकी मेटिंग से जो स्पर्म है ये स्पर्म कहाँ गया, एग के साथ फ्यूज़ हो गया। तो फ्यूज़ होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। कहाँ डेवलप होगा वो, तो यूट्रस की वॉल के अंदर डेवलपमेंट होता है। और यूट्रस ने क्या किया, फॉर प्रिपरेशन इन यूट्रस के अंदर ब्लड की लेयरिंग की गई और ये जो लेयरिंग है इसने एक रूम प्रोवाइड किया एंड ये ब्लड की लेयरिंग 9 मंथ तक कंटिन्यूसली क्या करती रहती है, बनती रहती हैं और जो हमारा चाइल्ड है वो इसके अंदर अच्छे से डेवलप होता है। जब कम्प्लीटली चाइल्ड रेडी हो जाता है तो ये जो चाइल्ड है इससे क्या करते हैं, फिर से जो मेल फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से चाइल्ड को बाहर निकाल दिया जाता है आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ 9 मंथ। इज़ दैट क्लियर। बट अगर हम सिचुएशन को चेंज करें, क्या चेंज करें कि स्पर्म जो है उसकी एंट्री नहीं हुई है जेनाइटल ट्रैक्ट में, तो क्या होगा, अगर स्पर्म की एंट्री नहीं होती है जेनाइटल ट्रैक्ट में, यहाँ पर एग वेट करता है स्पर्म का, बट स्पर्म ये 3 to 4 days वेट करता है, बट स्पर्म अगर इसके पास नहीं पहुँच पाता तो ये डिजेनरेट हो जाता है। डिजेनरेट की वजह से कुछ और हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। ओके ये हॉर्मोन्स के रिलीज की वजह से अब क्या होगा, अब ये जो यूट्रस है इसके अंदर जो ब्लड की लेयरिंग थी अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि चाइल्ड का डेवलपमेंट होने वाला ही नहीं है, एम्ब्रियो बना ही नहीं है, है ना, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। तो क्या होता है, ये जो ब्लड की लेयरिंग है इसको लूज कर दिया जाता है और ये ब्लड की लेयरिंग जेनाइटल ट्रैक्ट के ये जो पाथ है इसके सहारे जो ब्लड है उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ब्लड का बॉडी से बाहर निकलना फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। तो इस तरह से मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है और एग का बनना, एग का रिलीज होना, एग का फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचना एंड उसके बाद में उसका यूट्रस से आगे जाना एंड इस तरह का पूरा साइकिल होता है, दिस साइकिल इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके इसमें और भी काफ़ी डिटेल टॉपिक होते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम जो है मेल एंड फीमेल बॉडी के सारे ऑर्गन्स देखेंगे, इन ऑर्गन्स के सारे फंक्शन देखेंगे। ओके सो एक बार देख लीजिए मेल एंड फीमेल बॉडी को कंपैरिजन करके देखिए, क्या मेल बॉडी में आपको कोई यूट्रस देखने को मिल रहा है, नहीं। क्या फीमेल बॉडी में आपको कोई टेस्टिस देखने को मिला, नहीं, क्योंकि टेस्टिस का फंक्शन है सिर्फ स्पर्म का प्रोडक्शन करवाना एंड जो आपका ओवरीज हैं उनका काम है सिर्फ एग को रिलीज करवाना एंड यूट्रस का काम क्या है, जो डेवलपिंग चाइल्ड है उसको रूम प्रोवाइड करवाना। तो उसके अलावा और भी अदर ऑर्गन्स होते हैं, देखिए अब क्या क्या दिख रहा है, वास डिफरेंस होती है जिसे डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं, पेनिस एंड यूरिथ्रा, स्क्रॉटम, एपिडिडाइमिस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये और अदर सेक्सुअल ऑर्गन्स भी होते हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्पफुल होते हैं। एंड जो फीमेल बॉडी होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उसमें ओवरीज के अलावा फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना और भी सारे ऑर्गन्स होते हैं जिन सब का रोल क्या है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाना। तो इस तरह से हमारा लेक्चर जो है आज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, अब मैं मिलूंगी अगले वीडियो में जिसमें हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड इनके फंक्शंस भी देखेंगे। ओके सो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।